नमस्कार। आपको लग रहा होगा मैं पैरों को झड़का रहा हूँ। नहीं, ये क्रिया पूरी दुनिया करती है पैरों को ऐसे झड़काने की, लेकिन इसी क्रिया को आप थोड़ा सा ज्यादा करके अपने शरीर को लाभ दे सकते हैं। कैसे? आपके देखिए, पैर के जो ये नीचे का हिस्सा है, तलवे है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बारे में मेरी बहुत बार आपसे चर्चा हो चुकी है। हम योग क्रियाएं नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप ऑफिस में बैठे हैं तो ये हाथों की ताली हम जैसे बजाते हैं, वैसे ही ये पैर की एक तरीके से ताली हो गई, लेकिन यहां पर ताली नहीं है, ये घर्षण है, रब थेरेपी है। पैर के तलवे आपस में इस तरीके से रब करना। आप देखिए, मेरी जो क्रियाएं हैं वो मैं बहुत सारी बताता हूं, देखने में बड़ी सरल लगती है। ऐसा लगता है कि ये क्रिया क्या है, छोटी सी तो बात है, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है। आप एक मिनट ऐसा करके देखिएगा, आपके पूरे पैर के अंदर यहां पर इन नसों में आपको पूरा खिंचाव महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लड एकदम से चल पड़ा है, आपको उठने को भी ऐसा लगेगा थकान सी हो गई। एक मिनट में मात्र इतनी सी क्रिया है, लेकिन इस क्रिया को करके देखिएगा, पैरों की मजबूती बहुत शानदार मिलेगी। दूसरा बात, आपके पैर के नीचे जो है वो तलुओं में लगभग पूरे शरीर के ऑर्गन्स के पॉइंट्स होते हैं। कईयों को एड़ी दर्द रहता है, एड़ी के अब ऐसे तो दबा नहीं सकते क्योंकि दर्द होता है, तो एक पूरा मूवमेंट जो है वो आप पैर के पंजे को दे दीजिए, और ये आधे से एक मिनट आप इतनी सी क्रिया करके जब बैठेंगे तो आप देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे पैर में हल्कापन सा है, आपके ऐसे पंजे में ब्लड का सर्कुलेशन महसूस होगा, पैर के तलवे में ऐसे लगेगा जैसे किसी ने बहुत शानदार मसाज की है। सिंपल सी क्रिया है, देख लीजिए, ऐसे इस तरीके से आपस में इस तरीके से भिड़ाते हुए जाना और भिड़ाते हुए आना। ये सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है, आप करके देखें और इसका लाभ महसूस करें, देखें क्या आनंद आता है। और इसका लाभ क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारी पैर की, देखिए ये जो पीछे की अंगुलियां हैं, इनमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी चर्चा मेरी पीछे की हुई है। ये पूरा एरिया जो है, ये मेरा पैर का अगर कहें तो लेफ्ट जो लेग है उसके अंदर हार्ट है, राइट लेग है उसमें लीवर है, और आंते तो जो है दोनों में बीच का हिस्सा जो है ये आंतों का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये आंतों का है। तो जब ये आपस में टकराता है तो पेट की आंतों का हिस्सा भी टकराता है, और जब पेट की आंतों में इस तरीके की रब थेरेपी मिलती है, थपकी थेरेपी मिलती है, ये दोनों थेरेपियां पैर के इस घर्षण से ही आपको मिल जाएगी। तो ये जो थपकी है ये आपकी आंतों में मूवमेंट करेगी। आप अगर ईमानदारी से दोनों पैर के पंजों को एक मिनट भी कर लेंगे तो आपको महसूस होगा कि पैर की पंजे से लेकर ऊपर की नसें और पेट की नसें तक आपको खींचती हुई महसूस होगी। करके देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर बैठ जाइए, चेयर पे बैठे हैं तो थोड़ा पैर को आगे रखना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा ऊंचा बैठेंगे तो आपका पैर लटकता रहेगा, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सुबह खाली पेट तो करना ही करना है, बाकी दिन में जब भी आपको समय मिले, आप ऑफिस में बैठे हो, जूते उतार दीजिए, जुराब उतार दीजिए, फिर कर लीजिए। अगर जुराब भी पहने तो भी कर लीजिए, कोई खास बात नहीं, लेकिन ये छोटी सी क्रिया है। आपके पैरों की सुन्न, पैरों में जलन, पैरों में थकान, ये सब चीजों में आपको देखिए छोटी सी क्रिया से आपको किस तरीके का एक मूवमेंट मिलता है, एक वाइब्रेशन मिलती है, आप देखिएगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, और आपको अच्छा लगे ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।